ये देखिए मेरा अडेनियम, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर आए हुए हैं और यहाँ पे कलिया भी बन रही है। तो आज का हमारा टॉपिक अडेनियम के बारे में है। आज हम इसकी कटिंग के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको कि क्या हम इसकी कटिंग कर सकते हो। इस टाइम अभी जनवरी लास्ट चल रहा है, फरवरी आने वाला है, तो क्या इस टाइम हम इसकी कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करनी है तो किस तरह कटिंग करें ताकि हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो कुछ बातें आपको बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं और कलियाँ भी बन रही है, और मेरे कटिंग से लगा हुआ अडेनियम है उसमें भी कलियाँ है। ये देखिए ये वाला अडेनियम मैंने कटिंग से लगाया था, तो इसमें भी देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं। तो मैंने कुछ अडेनियम प्रून किए थे, लगभग कोई अडेनियम को 15-20 दिन हो गए, किसी को मैंने अभी एक हफ्ता जितना हुआ है, तो सब अलग अलग मैंने प्रून किए थे। और आज मैं आपको कट करके बताऊंगा कि किस तरह हम अडेनियम कट कर सकते हैं और इस टाइम अडेनियम कट करने पर क्या ध्यान रखें। देखिए ये वाले हैं, ये लगभग 20 दिन जितना हो गया या ज़्यादा हुआ होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, और इन सबको एक हफ्ता जितना हुआ है। ये देखिए इन सब में नई नई ब्रांचेस निकल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अडेनियम मैंने लिया है, ये सब मैंने अडेनियम सीड से ग्रो किए हैं, तो इसको मैंने रिपोर्ट भी किया है, लगभग 20 दिन जितना हो गया है और कोडेक्स सब ठीक है। तो अब इसकी मैं प्रूनिंग करूँगा, कटिंग। तो हमें कटिंग किस तरह करनी है, और भी छोटे छोटे बेबी प्लांट है और कटिंग्स भी लगी हुई है, वो सब की मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग की आज मैं कट कर दूंगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी आप अडेनियम प्लांट को कट करें तो इसकी मिट्टी में पानी देना बंद कर दे। देखिए इस तरह से थोड़ी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, ताकि क्या है जब आप कट करो तो इसमें जो लिक्विड निकलता है वो ज़्यादा ना निकले। तो इसके लिए मैं ब्लेड का, चाहे तो कोई कटर ले, जो भी ले सकते हो अच्छा ले, और थोड़ा सा उस पर फंगस ना लगे इसका ध्यान रख लेता हूँ, ब्लेड से ही मैं कट करता हूँ। आप नई ब्लेड लो, के पास अच्छी ब्लेड पड़ी हो वो ब्लेड लेके आप इसकी कटिंग कर सकते हो। कटिंग करने के रीज़न एक ये है क्योंकि ये लंबा ज़्यादा हो गया है, और लंबा होगा तो इसका कोडेक्स ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे तो इसका कोडेक्स भी बड़ा होगा। तो जनवरी लास्ट टाइम चल रहा है, अब थोड़े दिन में दो तीन दिन बचे हैं, फरवरी आ जाएगा, तो ये देखिए ये ब्लेड ली है मैंने, और यहाँ पे देख रहे हो ये इनका नोड एरिया, यहाँ से ब्रांच निकलती है, जो ये एरिया है यहाँ पे, तो ये सब जगह से ब्रांचें निकलती है। तो हमें इस तरह से कट करना है कि इसमें और ब्रांच ज़्यादा निकल के आए, तो इसीलिए मैं तो इसको सीधा ही कट करता हूँ हर बार। तो उसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए एक हाथ से मुझे फायदा नहीं, इसलिए मैं धीरे से पहले इसको काट लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये लिक्विड निकल रहा है, ये लिक्विड। आप चाहे तो किसी कॉटन से इसको साफ कर सकते हो, ये मैंने इसकी हाइट इतनी छोटी कर दी है, आपको जितनी हाइट रखनी है उतनी रख सकते हो आप प्लांट की, ये मैं इसी तरह। अब इसके बाद ज़रूरी बात आती है आपको कि इसमें क्या करना है। ये कट करने के बाद आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर लेके इस पर लगा दीजिए। मैं हर बार साफ का इस्तेमाल करता हूँ, साफ फंजीसाइड। ये देखिए यहाँ पे साफ लिया है मैंने, तो मैं हर बार इसी तरह से करता हूँ ज़्यादा प्लांट पे।
अभी काफ़ी जगह पे बारिश भी हो रही है, तो आप अगर कटिंग कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, तो बारिश का मौसम बन रहा है, बारिश आ रही है, तो आप इसको शेड वाली जगह पे रख दीजिए, इस पर पानी ना गिरे। जब भी आप इसको कट करें तो ध्यान रखें कि इसमें 2-3 दिन पानी नहीं गिरना चाहिए इसके ऊपर जहाँ पे आपने कट किया है, क्योंकि यहाँ पानी गिरेगा तो प्लांट फंगस लग के ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए इस पर पानी नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरह से लगा के आप इसको पानी दे दीजिए और फिर साइड में रख दीजिए। और जो अडेनियम की कटिंग होती है वो भी मैंने बहुत सारी ग्रो की है, तो इसकी जो कट करते हो ये कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हो। इसका भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कि कटिंग अडेनियम की किस तरह हम लगाए, तो इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसी गमले में लगाइए या कहीं और इसको लगा दीजिए। मैंने तो ढेर सारी लगा के रखी है, तो लग जाती है ये बहुत ही आसानी से। अब जो छोटे छोटे अडेनियम बेबी प्लांट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसको हमें क्या करना है, कैसे कट करना है, पिंच करना है। ये देखिए, इस तरफ मेरे सारे छोटे छोटे अडेनियम बेबी प्लांट है, ये देख सकते हो आप। तो इसको भी और घना करने के लिए आप इस टाइम कटिंग प्रूनिंग कर सकते हो। ये सब कटिंग है, कटिंग से लगे हुए अडेनियम हैं, इनको भी मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार इसको ये कटिंग को भी कट कर दूँ। तो इन सबको क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लेड लेके इनको भी कट कर देना है ताकि इसमें कोडेक्स और बड़ा हो। आप चाहे जितना बड़ा रखना चाहे उतना रख के बाकी को आप कट कर दीजिए। इससे को कट करने के बाद फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए। ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ है और देख सकते हो आप नीचे से ब्रांच निकल रही है और इसकी ग्रोथ भी अब चालू हो गई है। तो चाहे कटिंग से लगा हुआ हो, सीड से लगा हुआ है, कोई भी अडेनियम हो, आप इसको कट कर सकते हो इस टाइम पर। ध्यान रखिए कि कट करने के बाद इस पर पानी 2-3 दिन इसके ऊपर ना गिरे, जो कट किया हुआ हिस्सा है उसके ऊपर पानी ना गिरे। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट जो रहते हैं उसको तो आप हाथ से भी ऐसे पिंच कर सकते हो। ये देखिए, ये अडेनियम का छोटा बेबी प्लांट है, तो इसको ऐसे करके आप पिंच कर दीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए, तो ताकि क्या है कि फंगस ना लगे और प्लांट ख़राब ना हो, क्योंकि जो छोटे छोटे रहते हैं। ये वाली कटिंग, तो ये कटिंग भी आप लगा सकते हो, इसको भी लगाना आसान है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो भी मैंने बना के डाली हुई है कटिंग लगाने की। तो ये देखिए, ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, बहुत छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले कटिंग ग्रो की थी, तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगर आपको सीखना है कटिंग लगाना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।